उठी है सियासत की चिंगारी और उस पर हो रही है सियासत भारी। जी हां, राहुल गांधी के बीजेपी और हिंदू धर्म पर दिए बयान पर बीजेपी का हमला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि जिस वक्त देश में G20 जैसा बड़ा आयोजन किया जा रहा था उस समय वो विदेश जाकर देश की बुराई करते हुए नजर आए थे। जो G20 जैसे ऐतिहासिक समय पर देश में ही ना हो उसका देश के प्रति क्या भावना है, ये शब्दों में कहने की आवश्यकता थोड़ी है। जो G20 के समय जब सारी दुनिया गुणगान कर रही है भारत के भावों की, भारत के प्रयासों की, भारत के इतिहास की, भारत के द्वारा भविष्य के प्रयास की, उस समय अगर राहुल गांधी देश की बुराई करने में लगे हैं तो आज ये उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ये राहुल गांधी एक मानसिक दिवालियापन पे पहुंच गए। भारत के एक बहुत छुटभैये नेता है, कभी क्रॉस पहनता है, कभी जनेऊ पहनता है, कभी तिलक लगा लेता है तो कभी टोपी लगा लेगा हरी, कोई मतलब है उसका? कोई अर्थ नहीं। ऐसे लोगों का हम किसके हुए पता नहीं, काम निकाला खिसके हुए हमें पता नहीं, ये सब चलता रहता है, ये कोई मतलब नहीं। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत समिति के सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। राज्य की 60 से 65 सीटों पर मंथन हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए भी उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन हो सकता है। इससे पहले राज्य में बीजेपी अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के घर छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर होगी। आज होने वाली इंडिया की बैठक में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साझा कैंपेन की रणनीति पर भी बातचीत होगी। इंडिया की बैठक में टीएमसी का कोई नेता शामिल नहीं होगा। बैठक में अभिषेक बनर्जी को आना था लेकिन वो ईडी से पूछताछ की वजह से शामिल नहीं होंगे। जेडीयू की तरफ से भी समन्वय समिति के सदस्य लल्लन सिंह शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह संजय झा पार्टी की तरफ से शामिल होंगे। सीपीएम की तरफ से भी महागठबंधन की आज होने वाली बैठक में कोई शामिल नहीं होगा। इंडिया की 14 सदस्यों वाली कमेटी के लिए सीपीएम ने अभी किसी का नाम तय नहीं किया है।